So, hello guys. Yesterday we made an announcement that there would be a batch for CAPF paper 2. जिसके अंदर इस बैच के अंदर जो ड्यूरेशन है, सबसे पहले मैं बता दूं, बैच की ड्यूरेशन वुड बी ऑफ अराउंड 1 month. 1 month की ड्यूरेशन रहेगी. 1 month के अंदर आपको क्या क्या इसमें करने को मिलेगा? आपको 5 या 7 थीम इसमें कवर कराई जाएंगी. अगर मैं पहली थीम की बात करूं तो इंटरनल सिक्योरिटी रहेगी. सेकंड थीम वुड बी एग्रीकल्चर. थर्ड इंडियन सोसाइटी. फोर्थ वुड बी एनवायरमेंट. फिफ्थ वुड बी डिजास्टर मैनेजमेंट. सिक्स्थ वुड बी इंडियन इकोनॉमी. एंड सेवन्थ वुड बी एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक, जो फिलोसॉफिकल टॉपिक आते हैं, वो कैसे हैंडल करने हैं आपको. ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर आपको 3 क्लास इसमें लाइव क्लास होगी जूम के अंदर. 5 मई को आपको लाइव टेस्ट देना होगा और क्लास की ड्यूरेशन 8:30 बजे से शुरू होगी. उसके बाद पता नहीं कब खत्म होगी. ठीक है, सिलेबस बहुत वास्ट है, हमें खत्म करना पड़ेगा. तो ऑन एन एवरेज आप देखोगे इसमें 1.5 से 2 घंटे की क्लास भी हो सकती है, कभी कम भी हो सकती है. तो आप उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर रखना. ठीक है, अब इसमें बात करते हैं एग्रीकल्चर की. भी 3 क्लास होंगी 6, 7, 8 को और 10 मई को उसका लाइव टेस्ट होगा. लाइव टेस्ट के बारे में सुन लो क्या हुआ. लाइव टेस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सुबह 9 बजे टेस्ट होगा. आपको जूम पे आना होगा, आपके सामने लाइव पेपर आपको शेयर किया जाएगा. आपको जब तक, अगर टेस्ट की ड्यूरेशन 1 घंटा है तो आपको 1 घंटा 10 मिनट तक टेस्ट सबमिट करना पड़ेगा. ठीक है, आप मुझे सबमिट करेंगे, एप्लीकेशन पे ही सबमिट करना होगा. उसके बाद मैं बात करूंगा रजिस्ट्रेशन कैसे करना है. ठीक है, तो टेस्ट पे ही सबमिट करना होगा. और आप में से काफी बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या इसकी वैल्यूएशन होगी. मैं आपको बता दूं, इसकी वैल्यूएशन जो है, जैसे आपका रियल लाइफ आप देखोगे सिनेरियो के अंदर जो एग्जामिनर आपका चेक करता है यूपीएससी के अंदर, उस तरह की आपको यहाँ पे इवैल्यूएशन मिलेगी. यहाँ पे आपको पूरे रिमार्क्स नहीं मिलेंगे, बट आई विल गिव यू द मार्क्स. ठीक है, आपको मार्क्स देना, क्योंकि इवैल्यूएट करना, फीडबैक देना, इट्स अ वेरी पेनस्टेकिंग प्रोसेस. उसमें बहुत टाइम लगता है. और अगर मैं, आप सपोज अभी करंटली जो बच्चों ने अभी एनरोल किया, 50+ स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड इन और रजिस्टर्ड फॉर दिस डेस्टिनी बैच, जो आपका सीएपीएफ का डेस्टिनी बैच है. ठीक है, तो डेस्टिनी बैच के लिए 50 कम से कम स्टूडेंट्स ने एनरोल किया. तो 50 स्टूडेंट्स के अगर मैं चेक करने लग गया, सिंपल अगर मैं रीडिंग भी लेता हूं उसकी, तो एक टेस्ट रीड करने में मुझे 5 से 7 मिलेंगे. अगर आपको 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे मेरे 2 घंटे तो रीडिंग में ही जा रहे हैं. ठीक है, उसको टेस्ट को फिर दोबारा अपलोड करना. सो दिन के 3-4 घंटे मेरे इसी प्रोसेस में होंगे, अपार्ट फ्रॉम मुझे क्लास भी लेनी है. ठीक है, तो बहुत सारा है मेरे पास करने को. तो इसमें इवैल्यूएशन प्लस फीडबैक नहीं होगा, इसमें आपको मार्क्स दिए जाएंगे. मार्क्स आप सुन लीजिए, 5 मई को आपका जैसे लाइव टेस्ट हुआ, लाइव टेस्ट होने के बाद आपको शाम तक 8 बजे तक, ठीक है, 8 बजे तक आपको फुल रिपोर्ट कार्ड आपका मिल जाएगा, किस किस ने स्कोर किया है. अगर 50 स्टूडेंट्स ने टेस्ट लिखा है तो आपको पता चल जाएगा आपका रैंक कहाँ पे, आप रैंक 3rd पे आए हैं, 4th पे आए, 5th पे आए, 6th पे आए, तो आपको पता चल जाएगा. तो एक कॉम्पिटिटिव फील आपके अंदर आएगी कि इस स्टूडेंट ने अच्छा किया है. तो आपस में आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो. अगर मैं उन सभी, आप देखोगे आई कैन मेक ऑल द आंसर्स ओपन, तो आप एक दूसरे के आंसर चेक कर सकते हो. अगर किसी को अच्छे मार्क्स मिले तो आप देख सकते हो कि हाँ इसमें बेटर मार्क्स मिले हैं, क्यों मिले हैं, क्या रीजन रहा होगा, उस हिसाब से. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लाइव टेस्ट लिख सकते हो 1 घंटा. आप अपने आप को कंडीशन कर सकते हो, कंडीशनिंग होती है ना एग्जाम में लिखने से पहले. जैसा आप फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हो, तो मेंटल एक्सरसाइज करने के लिए 1 घंटा टेस्ट लाइक कंडीशन आई विल प्रोवाइड टू यू. आपको 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 देखना होगा बेसिकली कि आप लाइब्रेरी बैठ के लिखना चाह रहे हैं, घर में लिखना चाह रहे हैं, तो 1 घंटा आपको अपने हिसाब से क्या करना होगा, रिजर्व रखना होगा, जिसमें आप टेस्ट लिख सके. आपको कम से कम इसमें टेस्ट नंबर 1, 2, 3, 4 और आप देखोगे थीम नंबर 6 जो है इंडियन इकोनॉमी, 7 जो है एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक, 7 टेस्ट आपको 1 महीने के अंदर लिखने को मिलेंगे. और प्लस में आपको जो क्लास देखोगे, कितनी नंबर ऑफ क्लास, इंटरनल सिक्योरिटी की 3, एग्रीकल्चर 3, अगेन इंडियन सोसाइटी 3 क्लास, एनवायरमेंट 3, डिजास्टर मैनेजमेंट शायद 2 क्लास है क्योंकि ये जल्दी कवर हो जाएगा. उसके बाद इंडियन इकोनॉमी की क्लास रहेगी 2 या 3. उसके बाद क्लास रहेगी आपकी एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक की, हाउ यू वुड हैंडल एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक, राइट. अब आप बात करोगे इसमें क्या सर कॉन्टेंट क्या होगा, क्या टीच करोगे आप इसमें. मैं कॉन्टेंट की अगर मैं बात करूं, कॉन्टेंट वुड बी बेसिक टू एडवांस, बेसिक टू एडवांस रहेगा. आप देखोगे इसके अंदर आपका बेसिक से शुरुआत होगा. आपको इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे, हर एक चीज मैं डिस्कस करूंगा इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर. टेररिज्म, नक्सलिज्म, ऑर्गेनाइज क्राइम, नार्कोटिक्स, ठीक है, ऑर्गेनाइज क्राइम में ढेर सारे क्राइम्स होते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम मेजर चैलेंजेस और क्या है, एवर इवॉल्विंग, ठीक है, इमर्जिंग थ्रेट्स क्या है, वो भी डिस्कस करने वाले हैं. तो इस हिसाब से हम इंटरनल सिक्योरिटी को अप्रोच करेंगे. देन विल डू द एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर से ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं,
लगभग एक या दो क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर से मिलता है हर साल, इंटरनल सिक्योरिटी से आपको एटलीस्ट एक क्वेश्चन मिलता है हर साल। तो हमें क्या करना है, जैसे आपको पता है कि आपके 6 ऐसे टॉपिक आते हैं आपके पास, 6 टॉपिक में से आपको चॉइस कितनी रहती है, 4 लिखने की, 6 में से आपको 4 लिखने हैं। जब मैं आपको बता रहा हूँ एक इंटरनल सिक्योरिटी से आता है, एक एग्रीकल्चर से आता है, तो आपके 2 टॉपिक यहीं पे प्रिपेयर हो गए, राइट। एक टॉपिक में आपको प्रिपेयर करवा दूंगा एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक। एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक सबसे आसान होते हैं लेकिन आपको लगता है कि मुश्किल है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स आर वेरी इजी, बस आपको लगता है कि मुश्किल है, वो नहीं सोचना है आपको, बहुत आसान है। मैं आपको बता दूंगा ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करते हैं उस पर, ठीक है। आपके पास स्कोप बहुत ज्यादा होता है, आप कैसे लिखना चाहते हैं उसके ऊपर आप पे डिपेंड करता है। इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड एक टॉपिक आपको मिलता है, कई बार आर्ग्यूमेंट राइटिंग में, कई बार आपको रिपोर्ट राइटिंग में मिलता है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर आता है, एसिड अटैक के ऊपर आता है, और क्राइम अगेंस्ट वुमेन के ऊपर आता है, इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेंस। तो वुमेन एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक रहेगा, प्लस आप वुमेन में आप देखोगे द प्रेजेंस ऑफ द इमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन द आर्म्ड फोर्सेस, अगेन इंडियन सोसाइटी से टॉपिक आया था 2022 के अंदर। तो वुमेन को हम होलिस्टिकली पढ़ेंगे, वुमेन अगर आप सोसाइटी में प्रिपेयर करना चाहते हो तो सोसाइटी में वुमेन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं प्रायोरिटी की बात करूं तो, अगर मैं प्रायोरिटी सेट करूं, वुमेन के बाद हम देखेंगे अर्बनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अर्बनाइजेशन भी हमें प्रिपेयर करना है अगर इंडियन सोसाइटी की हम बात करें। उसके बाद हम देखेंगे अर्बनाइजेशन का क्या इंपैक्ट है इंडियन सोसाइटी पे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारी और भी चीजें हम इसमें फैमिली को अगर हम देख लेंगे, उसके बाद कम्युनलिज्म आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनलिज्म, ठीक है। उसके बाद रेडिकलाइजेशन, राइट। उसके बाद अगर हम इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें तो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, ठीक है। अगर आप मिलिटेंसी की बात करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर में मिलिटेंसी है, न्यू फेज ऑफ मिलिटेंसी, हाइब्रिड मिलिटेंसी, ठीक है, तो उस पर बात करेंगे। पंजाब मिलिटेंसी की हम बात कर सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट अगेन इंपॉर्टेंट है, इंडिया के अंदर आप देखोगे लॉर्ड ऑफ फ्लड और मोरबी ब्रिज कोलैप्स, उसके बाद हम टर्की का एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर फ्लड आई थी, केरला फ्लड, लॉर्ड ऑफ थिंग्स वी कैन टॉक इन डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। ट्रेन का कोलिजन होता है, रोड एक्सीडेंट होते हैं, सो देर इज प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी डिजास्टर मैनेजमेंट से आप देखोगे कुछ एक आपको एक रिपोर्ट राइटिंग भी आ सकती है किसी एक्सीडेंट पे, ठीक है। तो कोई भी एक्सीडेंट पे रिपोर्ट आ सकती है, कार एक्सीडेंट, देर इज अ राइज इन कार एक्सीडेंट इन इंडिया, ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगेन कमिंग बैक टू द एनवायरमेंट लेक्चर्स, एनवायरमेंट के लाइव लेक्चर्स रहेंगे, एनवायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके, जैसे हम देखें एग्रीकल्चर प्लस कंबाइंड एनवायरमेंट पूछ लेते हैं, द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन एग्रीकल्चर, इस तरह से पूछा है, द इंपैक्ट ऑफ 3 फॉर्म्स लॉ ऑन फार्मर्स, ये क्वेश्चन भी पूछा है आपका, ठीक है। और एनवायरमेंट से आपके और क्वेश्चन आए हैं, द अर्थ इज नॉट फॉर ह्यूमंस ओनली, और द कैंपेन टू सेव द एंडेंजर्ड स्पीसीज, और एनवायरमेंट से अगर आप और बात करें तो एनवायरमेंट वर्सेस डिस्प्लेसमेंट और डेवलपमेंट वर्सेस डिस्प्लेसमेंट डिबेट, आपका ये टॉपिक पूछा है इसके अंदर। इस डेवलपमेंट, एक और क्वेश्चन आपका पूछा है, इस डेवलपमेंट पॉसिबल एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा है सीएपीएफ के अंदर, जो क्वेश्चन सीएपीएफ के अंदर आया मैं तो वही बात कर रहा हूं अभी, ठीक है। इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के ऊपर आपका क्वेश्चन आया है, इंटरलिंकिंग, ठीक है, इंटरलिंकिंग रिवर, ये आपका क्वेश्चन आ चुका है सीएपीएफ के अंदर, ठीक है। क्या इंपैक्ट होगा इंटरलिंकिंग का एनवायरमेंट के ऊपर, ये आपको प्रिपेयर करना है, राइट। सो इन दिस वे विल अप्रोच। उसके बाद हम बात करते हैं थीम नंबर 6 की, जो आपकी रहेगी इंडियन इकोनॉमी। सो थीम नंबर 6 रहेगी इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी से आपका टॉपिक आया था 2020 या 2021 के अंदर आया था, आपका टॉपिक था अनएम्प्लॉयमेंट एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अनएम्प्लॉयमेंट प्लस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, राइट। तो इस पे आप कैसे कमेंट करोगे, आपके और क्वेश्चन आते हैं, दिस द क्वेश्चन वाज चाइनीज इकोनॉमिक पॉलिसी इन कंट्रीज बॉर्डरिंग इंडिया, राइट, चाइनीज इकोनॉमिक पॉलिसीज इन कंट्रीज बॉर्डरिंग इंडिया, चाइनीज इकोनॉमिक पॉलिसीज इन कंट्रीज बॉर्डरिंग इंडिया, राइट। तो इकोनॉमी से ये क्वेश्चन आपका आता है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और भी जितने मेजर चेंजेस होते हैं, जैसे मैंने देखा कि एक क्वेश्चन आपका आता है, इकोनॉमी का ही क्वेश्चन है, कैशलेस ट्रांजेक्शन इट्स स्कोप एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन है। आपका फार्म लोन वेवर, तो कैशलेस ट्रांजेक्शन हो गया, कैशलेस ट्रांजेक्शन। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन आया था फार्म लोन वेवर, ठीक है, फार्म लोन वेवर, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके इकोनॉमी से क्वेश्चन आते हैं, आपको प्रिपेयर करना होगा, इकोनॉमी सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी बच्चे जो भी आपको डाउट्स हो, आपको लगता है कि मुझे और भी डाउट्स हैं इसके रिगार्डिंग कि कैसे हम इसको अप्रोच करेंगे, सो आई नीड के एवरीवन शुड अटेंड दिस दोस क्लासेस, ये नहीं कि मैं अकेला बैठ के लेक्चर देता रहूं। और रिकॉर्डेड वर्जन नहीं मिलेगा, कभी आप सोच रहे हो कि आपको रिकॉर्डिंग वर्जन नहीं मिलेगा, आपको क्लास के अंदर
आपको प्रेजेंट रहना है। अगर मैं इतने एफर्ट आपके लिए कर रहा हूं तो मुझे भी ये होना चाहिए कि आप भी एफर्ट कर रहे हो, ठीक है। इस बैच का फायदा क्या है, योर चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड और चांस ऑफ गेटिंग मोर देन 95 मार्क्स। अगर आप सोच रहे हो कि आपको पेपर टू में 95 मार्क्स करना है स्कोर, एटलीस्ट 95 मार्क्स, अ डिसेंट मार्क्स, तो ये बैच अच्छे से करने से आपके 95 प्लस मार्क्स का आपको जो पोटेंशियल है और आपकी जो प्रोबेबिलिटी है दैट में इंक्रीज अप टू 70%। 70% तक आपकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ ये बैच अटेंड करने से और 7 लाइव टेस्ट लिखने से आपके चांसेस ऑफ गेटिंग 95 प्लस मार्क्स इन पेपर टू वुड बी इंक्रीज बाय 70%, ठीक है। तो ये इसकी क्या है खासियत है, क्योंकि आई हैव टेकन दिस बैच मोर देन 2 टाइम्स और मुझे लगता है कि सीएपीएफ पेपर 2 से के रिगार्डिंग कोई भी आपको सबसे बेस्ट जो गाइडेंस मिल सकती है आई एम गिविंग इट। मैं आपको एरोगेंस से नहीं बोल रहा, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, ठीक है। पीपल कनेक्टेड विद मी, उन्होंने फीडबैक दिया, बहुत अच्छा फीडबैक दिया है। तो मैं आप सभी को ये कह रहा हूँ कि प्लीज बी अ पार्ट ऑफ दिस। और इसका रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 1 रुपी, आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग फ्रॉम यू, ठीक है। 1 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, एप्लीकेशन पे करना है, आई विल शेयर द लिंक विद यू। आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप एनरोल कर सकते हैं। पहली क्लास होगी आपकी 1 मई को और आज का जो रोडमैप होगा, आई विल कंडक्ट अ लाइव जूम सेशन ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, विल डू अ जूम सेशन। उसमें आप और भी जो डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो कैसे कैसे होगा, और आपके जो सजेशन है मैं वो भी इसके अंदर डाल सकते हो। कुछ सजेशन आप देना चाह रहे हो, शायद स्कोर बेटर हम कर सके। आपको स्टडी मटेरियल इसका सब मिल जाएगा, पीडीएफ के अंदर होगा, ठीक है। आपको ऐप के अंदर वो देखना है। मैं इसके रिकॉर्डिंग सेशन, आई विल डू द रिकॉर्डिंग बट आई विल नॉट गिव इट टू यू। रीजन बीइंग, आप क्लास में प्रेजेंट नहीं रहोगे। जो भी बच्चा क्लास में प्रेजेंट रहेगा सिर्फ उसी को रिकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है। तो आई थिंक हियर इज द रोड मैप। बाकी चीज जो हम जो डिस्कस करने वाले हैं आज क्लास में, आज 8:30 बजे हमारी जूम की मीटिंग रहेगी। तो आई एम बेसिकली रिक्वेस्टिंग एवरीवन, प्लीज अटेंड दिस मीटिंग। आपको सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। क्या और भी रोड मैप होगा आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, बाकी मैं आपको बता दूँ, ठीक है। सो थैंक यू।